हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रॉस मैचिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मैचिंग क्यों करवाई जाती है। क्रॉस मैचिंग को हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डोनार जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहा होता है, किसको, पेशेंट को, उसका ब्लड पेशेंट के लिए प्रॉपर है, कंपेबल है या नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। क्रॉस मैचिंग कब करवाई जाती है? क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले। क्रॉस मैचिंग हम कब करवाते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्रॉस मैचिंग करवाते हैं। क्या पता करने के लिए कि पेशेंट को जो ब्लड दे रहे हैं वो उसके लिए कंपेबल है या नहीं है। अगर कंपेबल नहीं होता तो हम कैसे पता करते हैं? जैसे कि कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन के अंदर हम क्या करते हैं, रेड सेल जब इंसर्ट कराते हैं, क्या, किसी भी पर्सन के अंदर हम जब रेड सेल इंसर्ट कराते हैं तो उसके सीरम के अंदर एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीजन के प्रति क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि फर्स्टली जो रेड सेल होती है वो फ्लेक्स के रूप में कलेक्ट होने लग जाती है। फ्लेक्स मतलब गुच्छे। फ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? गुच्छे बोलते हैं। फ्लेक्स के रूप में क्या होने लग जाएगी? कलेक्ट होने लग जाएगी। और कलेक्ट होने लग जाती है तो उसका क्या होने लग जाता है? हीमोलाइसिस। और जब हीमोलाइसिस होने लग गया तो मीन क्या है? ये जो ब्लड है वो इनकम्पेटिबल है। यही जानने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम इसी को ही जानने के लिए हम कंपेटिबिलिटी टेस्ट मीन्स क्रॉस मैचिंग करते हैं कि जो हम पेशेंट को जो ब्लड दे रहा है, जो डोनर, वो उसके लिए कंपेबल है या नहीं है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन सा, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ये सारे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और उसके अपोजिट कौन सी एंटीबॉडी बनती है। क्योंकि हम उसी पेशेंट को हमने देखा था कि हम कौन से ब्लड को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अगर उसके अपोजिट हम दे देते हैं तो क्या होता है, उसके अगर हम अपोजिट देने लग जाते हैं तो उसके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अपोजिट के कारण, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है। इसलिए हम इसको पता करते हैं। इसलिए हम क्रॉस मैचिंग जो होती है वो सबसे लास्ट स्टेप होती है। कौन सी? सबसे लास्ट स्टेप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले की। सबसे लास्ट स्टेप कौन सी होती है? क्रॉस मैचिंग। उससे पहले क्या होती है? उससे पहले जैसे हम ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, इस तरीके के हम ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, और जो क्रॉस मैचिंग होती है सबसे लास्ट स्टेप होती है। अब हम इसको थ्योरी में देखते हैं। इंट्रोडक्शन। क्रॉस मैच इज ए परफॉर्म्ड बिफोर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किससे पहले परफॉर्म किया जाता है? हमने अभी देखा था कि इंट्रोडक्शन में कि क्रॉस मैच किससे पहले परफॉर्म किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले परफॉर्म किया जाता है। टू डिटरमाइन, क्या जानने के लिए, कि डोनर ब्लड इज ए कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल विद रेसिपियंट ब्लड। कि हम जो डोनर को जो ब्लड दे रहे हैं, डोनर जो ब्लड दे रहा है किसको, पेशेंट को, वो उसके लिए कंपेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस मैच करता है। क्रॉस मैच इज ए परफॉर्म बिफोर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू डिटरमाइन वेदर डोनर ब्लड इज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल विद रेसिपिएंट ब्लड के साथ। सेकंड, क्रॉस मैच इज कैरीड आउट टू एश्योर दैट देयर आर नो एंटीबॉडी प्रेजेंट। कि पेशेंट के सीरम के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या करे, डोनर की सेल से रिएक्ट करे। ये जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। इट इज फाइनल चेक ऑफ एबीओ कंपेटिबिलिटी टेस्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपियंट। ये क्या होता है, डोनर और रेसिपियंट के बीच में जो जितने भी हम टेस्ट कराते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, वो कौन सा होता है, सबसे फाइनल चेक होता है, सबसे लास्ट चेक। इसके बाद क्रॉस मैच करने के बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं टू डिटेक्ट ऑटो एंटीजन एंड ऑटो एंटीबॉडी। और हम क्या डिटेक्ट करने के लिए भी क्रॉस मैच करते हैं, कि हमारे बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑटो एंटीजन या ऑटो एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे क्या, जैसे कोई भी हमारी बॉडी के अंदर, कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो खुद की जो बॉडी होती है वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर क्या करने लग जाती है, उस पर अटैक करने लग जाती है। तो ऐसी तो कोई एंटीजन या एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है, ऑटो एंटीजन या ऑटो एंटीबॉडी, कि जिससे क्रॉस मैच में प्रॉब्लम आ सके।
ये हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कितने टाइप्स की होती है? देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होते हैं ये क्रॉस मैचिंग? हम दो टाइप से करते हैं, फर्स्ट मेजर क्रॉस मैच एंड सेकंड माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच के अंदर हम क्या करते हैं और माइनर क्रॉस मैच के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं सबसे पहले मेजर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच में हम क्या लेते हैं? डोनार, डोनार की तो हम क्या लेते हैं? रेड सेल, जिस पर एंटीजन प्रेजेंट होती है। पेशेंट की क्या लेते हैं हम? सीरम। और इन दोनों के बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच रिएक्ट होता है। और इन दोनों के बीच रिएक्ट होने पर हमको क्या शो होता है? एग्लुटिनेशन। अगर इसमें एग्लुटिनेशन शो हो रहा है तो इट मीन्स क्या है कि ये ब्लड क्या है? इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल है। क्या है? पेशेंट के लिए ये ब्लड इनकम्पेटिबल है। सेकंड कौन सी होती है हमारी? माइनर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच में हम क्या करते हैं? वो तो था मेजर क्रॉस मैच में, तो क्या हम लेते हैं? डोनार की तो हम रेड सेल्स लेते हैं एंड पेशेंट का, रिसिपिएंट का क्या लेते हैं? सीरम लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं? डोनार का तो हम सीरम लेते हैं। और पेशेंट की हम क्या लेते हैं? पेशेंट की हम रेड सेल लेते हैं। और इनके बीच क्या होता है? माइनर रिएक्ट होता है। ये जो माइनर क्रॉस मैच होता है वो हम अलग अलग टेक्निक से करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक देखते हैं कौन सी है। फर्स्ट है हमारी इमीडिएट स्पिन टेक्निक। इसके अंदर क्या लेते हैं हम? सीरम लेते हैं एंड रेड सेल सस्पेंशन लेते हैं। और इसको क्या होता है, दो से एक ट्यूब में तो हमने सीरम ले लिया एंड एक ट्यूब में हमने क्या ले लिया? रेड सेल सस्पेंशन। अब ये ट्यूब है, इसमें हमने दो ड्रॉप तो किसकी डाल दी? सीरम की डाल दी। और एक ड्रॉप किसकी? रेड सेल सस्पेंशन की डाल दी। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं एंड देन क्या करते हैं हम? इसको इमीडिएट सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हैंड टू हैंड मीन। हम इसको क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। किस पर? 1000 RPM पर फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है? अगर इसमें एग्लुटिनेशन हमको नहीं शो होता है तो मीन क्या है? हमारा ब्लड कंपेटिबल है, मतलब हम उसको पेशेंट को ब्लड चढ़ा सकते हैं। एंड अगर एग्लुटिनेशन शो होता है मीन ये ब्लड क्या है? इनकम्पेटिबल है। सेकंड टेक्निक है हमारी AHG टेक्निक, मीन एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ट्यूब के अंदर हम सीरम लेते हैं एंड सेकेंड ट्यूब में हम रेड सेल लेते हैं। और देन क्या करते हैं हम? दूसरी ट्यूब में दो ड्रॉप तो हम किसकी मिक्स कर देते हैं? सीरम की। एंड 1 ड्रॉप हम मिक्स करते हैं किसकी? रेड सेल की। और फिर उसको हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। फिर हम उसको क्या करते हैं? 3 वॉश करते हैं इसकी। इसके बाद क्या करते हैं हम? 3 वॉश करते हैं इंक्यूबेट करने के बाद किससे? नॉर्मल सेलाइन से। किससे? नॉर्मल सेलाइन से। नॉर्मल सेलाइन से हम इसको 3 बार वॉश करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं उस ट्यूब को, उसमें AHG रिएजेंट मिक्स करते हैं एंड उसको 1000 RPM पर हम 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। अगर कोई भी एग्लुटिनेशन शो नहीं होता है तो वो तो क्या है? कंपेटिबल है। और कोई भी एग्लुटिनेशन अगर हमें शो होता है तो मीन वो क्या है? इनकम्पेटिबल है। ये हमारी सेकेंड टेक्निक हो गई AHG टेक्निक। एंड लास्ट हमारी थर्ड टेक्निक है एल्बुमिन ट्यूब मेथड। इसमें हम क्या लेते हैं? एक ट्यूब में सीरम लेते हैं, सेकंड ट्यूब में हम रेड सेल सस्पेंशन लेते हैं। इसकी 2 ड्रॉप तो हम किसके में डालते हैं? इसके अंदर दूसरी ट्यूब में डालते हैं और इसकी 1 ड्रॉप डालते हैं। और उसमें 2 ड्रॉप हम BSA रिएजेंट डालते हैं एंड इंक्यूबेट कर देते हैं इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। उसके बाद हम देन क्या करते हैं हम?
उस ट्यूब में हम सेंट्री उसमें AHG रिएजेंट के हम दो ड्रॉप डालते हैं एंड देन इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं 1000 RPM पर 1 मिनट के लिए, उसको मिक्स करते हैं। अगर उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन हमको शो नहीं होता है तो मतलब क्या है, वो कंपेटिबल है, और अगर एग्लूटिनेशन शो होता है मीन इनकम्पेटिबल है। इस तरीके से हमारी 3 टेक्निक्स होती है माइनर क्रॉस मैच के अंदर। मेजर क्रॉस मैच में तो हम क्या लेते हैं, डोनर की रेड सेल लेते हैं एंड पेशेंट की हम क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं, और उसको तो आपस में रिएक्ट करने लग जाती है। अगर एग्लूटिनेशन शो होता है तो मीन क्या होता है, अगर एग्लूटिनेशन शो हुआ तो क्या होने लग जाएगा, तो वो टेस्ट इनकम्पेटिबल है, और अगर एग्लूटिनेशन शो नहीं होता तो मीन वो कंपेटिबल है। इस तरीके से सेकंड में हम क्या लेते हैं, माइनर क्रॉस मैच करते हैं। माइनर क्रॉस मैच में हम 3 टेक्निक्स करते हैं जो हमने अभी देखी है। इस तरीके से हमारा क्रॉस मैच कंप्लीट होता है। थैंक यू।